तो हेलो भाई, तो भाई इंडियन मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि टाटा पंच, रेनॉल्ट काइगर, निसान मैग्नाइट और अब हाल फिलहाल में आई सिट्रॉन C3। लेकिन जल्द ही हमें इस सेगमेंट के अंदर महिंद्रा की तरफ से भी एक नई गाड़ी देखने के लिए मिलेगी, जो कि होने वाली है XUV200। XUV200 एक बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट होने वाला है और इंडियन कस्टमर को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी। और कब तक XUV200 लॉन्च होगी, किस प्राइस पॉइंट पे होगी, कैसे लुक्स, फीचर्स और इसके अंदर कैसे इंजन स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले XUV200 के एक्सटीरियर डिज़ाइन, डायमेंशंस और प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो अगर प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो ये गाड़ी नए W601 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस होने वाली, तो यही सेम प्लेटफॉर्म आपको XUV700 के अंदर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो बात करें गाड़ी के डायमेंशंस के बाद, तो XUV200 की लेंथ होने वाली है 3850 mm की और इसकी ब्रेथ होगी 1750 mm की और हाइट होने वाली है 1600 mm की। तो बात करें गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में, तो वो XUV700 से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होने वाली है, जैसे कि आपको उसके अंदर वही सेम DRLs हेडलाइट लैंप्स देखने के लिए मिलेंगे, LED फॉग लैंप भी वही आपको सेम देखने के मिलेंगे जो कि आपको XUV700 के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और फ्रंट में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी देखने के लिए मिलेंगे। तो बात करें गाड़ी के रेयर के बारे में, तो वहाँ पर स्प्लिट टेल लैंप दिया जाएगा पार्किंग लाइट के साथ और साथ में ही आपको वहाँ पर रूफ माउंट स्पॉयलर, रूफ माउंट टॉप लैंप्स, रेयर वाइपर, डिफॉगर, रेयर पार्किंग सेंसर्स, रेयर पार्किंग कैमरा जैसी चीज़ें आपको रेयर में देखने के लिए मिल जाएंगी। और बात करें साइड प्रोफाइल के बारे में, तो वहाँ पे आपको R16 डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील देखने के लिए मिलेंगे और गाड़ी के रूफ में आपको देखने को मिल जाएगा शार्प फिट एंटीना विद इलेक्ट्रिकल सनरूफ के साथ। तो अब बात करें गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो वहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहला होने वाला है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरल स्पिरिटेड पेट्रोल इंजन जो कि 82 BHP की पावर और 115 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। दूसरा होगा 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन 78 BHP की पावर और 190 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला है। और बात करें तीसरे इंजन ऑप्शन के बारे में, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन विद CNG आपको देखने के लिए मिलेगा और ये तीनों ही इंजन आपको दोनों ही ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आएंगे। तो बात करें गाड़ी के इंटीरियर लुक्स, डिज़ाइन और फीचर्स के बारे में, तो इसका जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है XUV700 से। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर फुली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाएगा और क्रूज कंट्रोल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें, तो वो आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा और मल्टी ड्राइविंग मोड्स और गाड़ी के अंदर 9-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको सारे कनेक्टिविटी फीचर्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले और ऑक्सिलरी, ये सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर को देखने के लिए मिल जाएंगे और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को देखने के लिए मिल जाएगा और इसके बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये गाड़ी होगी कीलेस एंट्री के साथ, जिसके अंदर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी देखने के लिए मिलेगा। तो बात करें गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा विद बूट स्पेस लाइट के साथ। तो अब बात करते हैं गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो ये गाड़ी आने वाली है W06 प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि सेम प्लेटफॉर्म है XUV700 के साथ और इसके अंदर आपको बेस से लेकर टॉप मॉडल के अंदर 7 एयरबैग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और इसके अंदर आपको 3-पॉइंट सीट बेल्ट, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर ड्रम ब्रेक और ABS ABD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल हेड कंट्रोल जैसे आपको फीचर्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये था कुछ आने वाली XUV200 के बारे में। अगर आपको XUV200 अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।